सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो हमारी FI बाइक्स है, मतलब अभी जो नई बाइक्स आ रही है वो सब बाइक में FI सिस्टम है, उसमें क्या है इंजेक्टर हमें क्लीन करना पड़ता है। अगर इंजेक्टर हम क्लीन नहीं करते तो गाड़ी के पिकअप में प्रॉब्लम आता है कि पिकअप कम हो जाता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लेती है गाड़ी और जो गाड़ी का माइलेज है वो कम हो जाता है। तो ये जो इंजेक्टर है ये फ्यूल के क्वालिटी पे डिपेंड होता है या फिर आपकी जो चलाने की गाड़ी की स्टाइल है इस पर डिपेंड होता है या फिर आपकी गाड़ी बहुत दिन खड़ी रहती है तो भी आपको जल्दी ये क्लीन करना होता है। तो वैसे तो 30,000 किलोमीटर के बाद एक बार इसे क्लीन करना होता है, तो इसको घर में ही कैसे क्लीन किया जाता है ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये गाड़ी की टोटल बॉडी है, टोटल बॉडी में ही लगा होता है इंजेक्टर FI बाइक में, कोई भी बाइक हो चाहे रॉयल इनकिट पी क्लासिक 500 वगैरह वो गाड़ियों में आता है, FZ में आता है, CBR में आता है और ये ZMR है इसमें भी आता है। ठीक है, और इसके जो पिन्स है ये सब निकाल दिए मैंने कपलर और इधर दो ये बोल्ट थे वो भी निकाल दिए। इसके बाद ये इंजेक्टर आ जाएगा, ये देखो ये इस तरह इसका इंजेक्टर होता है। तो ये इंजेक्टर निकाल के हम अंदर जाएंगे और कैसे क्लीन करते हैं इसे ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ से जो छोटे छोटे छेद होते हैं वहाँ से जो पेट्रोल होता है वो स्प्रेड होता है इंजन के अंदर। तो अब हम इंजेक्टर का क्लीनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लीनिंग के लिए हमें एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, किसी भी बाइक की निकाल सकते हो या फिर जिस बाइक का इंजेक्टर है उसी बाइक की निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये दो वायर्स लेने हैं। तो ये देखो ये ऐसे राउंड करके इसके अंदर पिन है उसमें फंसा देने, ये देखो ये फंसा दिए। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपको सिरिंज चाहिए, एक जो क्लिनिक में यूज़ करते हैं ना वो सिरिंज, ये 2.5 ml का लिया है। आप इंजेक्टर का साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं लेकिन बहुत से इंजेक्टर में 2.5 ml का ही लगता है, वो इधर से काट देना है। इसके बाद जो कार्बोरेटर क्लीनिंग स्प्रे लगता है इसमें या फिर टार्टर बॉडीज क्लीनिंग स्प्रे होता है ना वो लगता है, तो उसमें ये स्ट्रॉ मिलती है स्प्रे के साथ, वो इसके अंदर फंसा के आपको फेविक्विक से फिक्स कर देनी है, वो भी फिक्स कर दी मैंने। तो अब इंजेक्टर इस सिरिंज में लगा देना है इस तरह, और अंदर के जो वायर्स है वो एक दूसरे में कनेक्ट ना हो इसका ध्यान रखना है। और ये स्ट्रॉ में लगा लेता हूँ, एक तो वायर बैटरी से कनेक्ट करके रखिए और दूसरी हमें करना छोड़ना है, ऐसा करना है मतलब कनेक्टेड नहीं रखनी है। इसके बाद मैं उसी हाथ से ये प्रेशर से निकल ना जाए इसलिए इधर हमने तार भी बांध लिए। तो अब हम जो बोतल में ये लगाने वाले, तो ये देखो ये बोतल में लग गया और अब क्या करना है, वो बोतल ये प्रेस करनी है, इसको चुप करके रखता हूँ और ये जो वायर है ये बैटरी टर्मिनल उस पर लगानी है, ये देखो। और इसमें इस प्रकार जो भी कचरा है ये निकल जाएगा क्योंकि ये जो कार्बोरेटर क्लीनर स्प्रे या फिर टोटल क्लीनर स्प्रे है ना, ये जो अंदर के ग्रीच वगैरह लगा होता है या फिर अंदर छोटा मोटा कचरा जाता है उससे एकदम पूरी तरह क्लीन कर देता है और एकदम हाई प्रेशर से होता है ये, इसलिए एकदम पूरी तरह ये निकाल देता है अंदर जो भी कचरा है और एकदम क्लीन कर देता है कार्बोरेटर। तो ऐसे ही आपको ज़्यादा नहीं करना है, लगभग 10-15 बार ऐसा करना है, ये देखो थोड़ी देर दबा के भी रखना है, ये अलग अलग स्टेप से करना है। इस तरह आप आपकी बाइक का इंजेक्टर है ये खुद घर में क्लीन कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको ये खर्चा आएगा 300 रुपये, ये 300 रुपये का ये 10% भी अभी यूज़ नहीं हुआ है, इससे मैं 10-12 इंजेक्टर क्लीन कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा लेके आया हूँ मैं क्योंकि मुझको लगता है छोटा भी आपको मिलता है, तो मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और एक सिरिंज 5 रुपये में मिल जाता है, 5 रुपये से कम ही होता है, 4.5 रुपये कुछ इसके प्राइस है, इतना ही लगता है, बैटरी तो कार में होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताओ। तो कमेंट आप कर नहीं रहे हो अभी, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ रहे हो, कमेंट करो, वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो क्योंकि ये नॉलेज है, ये सबके यहाँ पहुँचना चाहिए, सबके तक पहुँचना चाहिए। दोस्तों को व्हाट्सएप पे फेसबुक के शेयर करो ताकि उनको भी पता चले इंजेक्टर कैसे क्लीन करते हैं। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।